नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन रूमैक्स के बारे में। रूमैक्स बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, जैसे खांसी होना या फिर गले में दर्द होना, पेट में दर्द होना या फिर जॉन्डिस होना, खुजली होना, इन सब रोग में यह मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खांसी के किन सिम्टम्स में रूमैक्स मेडिसिन देनी चाहिए। पेशेंट को खांसी के दौरान गले में सूखापन महसूस होता है, पेशेंट को ठंडी हवा लगने से खांसी बढ़ती है या फिर इंस्पिरेशन के टाइम खांसी बढ़ती है, कभी कभी पेशेंट को खांसी के दौरान कफ भी बनती है जो बार बार निकलती रहती है। ऐसे सिम्टम्स में रूमैक्स मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, पेन की बात करें तो पेशेंट को बॉडी पार्ट्स में पेन ऐसा होता है जो कंटिन्यूअस नहीं रहता है। कई बार पेशेंट का दर्द ठीक हो जाता है और कई बार पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है। पेशेंट के गले में हर समय गुदगुदी जैसा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पेशेंट के गले में कुछ अटका हुआ है जो निकलने पर नीचे चला जाता है लेकिन फिर ऊपर आ जाता है। पेशेंट के गले को छूने से खांसी बढ़ने लगती है। रूमैक्स के पेशेंट की नाक ड्राई रहती है लेकिन कई बार बलगम ज़्यादा बनने से पेशेंट के नाक से डिस्चार्ज भी होने लगता है। दोस्तों, पेशेंट को रात में ज़्यादा खांसी होती है। पेशेंट को रात में खांसी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वह सही से सो भी नहीं पाता है। पेशेंट के गले में और गले के आसपास के एरिया में पेशेंट को बहुत दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हों तो पेशेंट को रूमैक्स मेडिसिन देनी चाहिए। जॉन्डिस और पेट के सिम्टम्स की बात करें तो शराब का ज़्यादा सेवन करने से अक्सर पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, पेट दर्द रहता है, डाइजेशन खराब हो जाता है और पेट में सूजन आ जाती है। पेट का दर्द का असर गले तक रहता है, छाती में गोली लगने जैसा दर्द होता है। पेशेंट के गले में भी इतना दर्द होता है कि वह बात तक नहीं कर पाता है। खाना खाने के बाद पेशेंट का पेट फूलने लगता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, जीभ पर पेशेंट की सफ़ेद कलर की लेयर बनने लगती है। पेशेंट को हमेशा हिचकी आती रहती है और पेशेंट का जी मिचलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रूमैक्स मेडिसिन स्किन की किन डिजीज़ में काम आती है, यानी स्किन डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं जिनमें रूमैक्स मेडिसिन देनी चाहिए। दोस्तों, पेशेंट को कपड़े उतारने पर जैसे ही ठंडी हवा लगती है उस टाइम खुजली बढ़ने लगती है। पेशेंट को ज़्यादातर खुजली कमर के निचले हिस्से में होती है, कई बार गर्मी के मौसम में भी पेशेंट को खुजली होती है। रूमैक्स के पेशेंट में इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि कई बार पेशेंट का खांसते खांसते यूरिन पास हो जाता है। पेशेंट को सुबह के समय डायरिया होता है। तो दवाई के एग्रावेशन की बात करें यानी रोग कब बढ़ता है, पेशेंट को ज़्यादातर रोग शाम के टाइम बढ़ता है या फिर ठंडी हवा लगने से बढ़ता है या फिर गर्मी के मौसम में भी कई बार पेशेंट को स्किन डिजीज़ हो जाती है। एमलरेशन की बात करें यानी राहत पेशेंट को कब मिलती है, लेटने और आराम करने से होता है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन रूमैक्स या और किसी भी मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, यानी दवाई खुद से नहीं लेनी चाहिए, दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, इस दवाई की पोटेंसी की बात करें तो यह 30 और 200 पोटेंसी में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, इसे आप डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अगर आप किसी नई या पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं और आप इसका होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं।